हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकसिटी क्लास टेंथ इलेक्ट्रिकसिटी ठीक है तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकसिटी इलेक्ट्रिक सिटी क्या है द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिकसिटी का मतलब हुआ फ़्लो ऑफ चार्ज करंट का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिकसिटी कहलाता है हम जैसे अपने घरों में यूज़ करते हैं हीटर फैन कूलर ए सी इसी टी हम देखते हैं उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता रहता है और करंट फ्लो होता है तो हमें इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकिटी द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर ये चीज आपने देखा होगा जैसे कोई बल्ब है सेल है तो हम इसको जब ऐड करते हैं तो बीच में एक पार्ट लगाते हैं ऑफ ऑन करने का हम उसे क्या कहते हैं स्विच ए कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन बल्ब एंड सेल इस नोन एज स्विच हमें थोड़ा सा स्विच पे ध्यान देना है कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन बल्ब एंड सेल इज नॉन एज स्विच सेकंड इसमें आता है सर्किट व्हाट इज सर्किट एक एक क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस पाथ ऑफ या हम कह सकते हैं एक कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट ठीक है अब आते हैं करंट अगर हम करंट को आइस इंडोकेट करें चार्ज को क्यू टाइम को टी से तो आइस का टू क्यू अपॉन टी वेर आईज ए करंट यूनिट एम्पियर क्यू चार्ज यूनिट कोलम एंड टी इज ए टाइम यूनिट सेकेंड आपको कभी भी करंट लेना है तो एम्पियर में लेना है चार्ज को हमेशा कोलम में लेना है और टाइम को हमेशा सेकेंड में लेना है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्यू इज टू आई टी अकॉर्डिंग टू नो नीडेड हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं ओके नेक्स्ट एक फार्मूला होता है क्यूज कल टू एन ई वेन क्यू इज द चार्ज एन इंट इज टू थ्री फोर सो वन ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैलू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन कुलम्स ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये आपको लर्न करना पड़ेगा ठीक है तो इलेक्ट्रिसिटी द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी स्विच द कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन बल्ब एंड सेल इलेक्ट्रिक सर्किट ए कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट आइस कर टू क्यू पॉन्टी ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखना है उसके बाद में अगर हम लोग इस पे आ जाते हैं आइज कल टू क्यू अपॉन टी क्यू अपॉन टी कूलम पर सेकेंड एम्पियर एम्पियर का डिफिनेशन हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कूलम पर सेकेंड अगर किसी भी इंस्टूटमेंट में एक कूलम चार्ज एक सेकेंड तक फ्लो होता है तो उसकी वैल्यू वन एम्पियर होती है करंट को हम जिस इंस्टूटमेंट से मेजरमेंट करते हैं हम उसे अमीटर कहते हैं और ऑलवेज इसको हम सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं ठीक है नेक्स्ट अभी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर तो थोड़ा सा हमें याद करना है अगर कहीं पे वन मिली एम्पियर लिखा है तो उसको हम लिखेंगे टेन टू पावर माइनस थ्री एम्पियर वन माइक्रो एम्पियर लिखा है तो टेन टू पावर माइनस सिक्स एम्पियर थोड़ा हमें फॉर्मूला लर्न करना है इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीआर का एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है इस करेंट आप जीरो पॉइंट फाइव एमपियर इज ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओके हमें सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना होता है उसमें यह देखना होता है कि हमें गिवेन क्या है क्या क्या दे रखा है हम यहां पे देख रहे हैं करंट इकर्टू जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर दे रखा है और आपको टाइम दे रखा है टेन मिनट हमने आपको बोला है करंट एम्पियर में होना है चार्ज कूलम और टाइम सेकंड में होना चाहिए यहां पे टाइम आपको मिनट में दिया है सो so आप इसे सिक्सटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्स हंड्रेड सेकेंड हो गया अब आपको निकालना है चार्ज तो आपको फार्मूला पता है क्यूज टू आई टी क्यूजकल टू आई मीज ज़ीरो पॉइंट फाइव एमपीयर इंटू सिक्स हंड्रेड सेकेंड आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थ्री हंड्रेड चार्ज का यूनिट होता है कूलम ओके okay? आप इसको लिखें उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वाट डेस्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट मेन पहला क्वेश्चन देखें वाट डेस्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट मेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कॉन्टीन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट एंड करंट कैन फ्लो थ्रू द सर्किट अगेन हम रिपीट कर रहे हैं फिर से देखें पहला क्वेश्चन है वाट डेज एंड इलेक्ट्रिक सर्किट मेन वाट डेज एंड इलेक्ट्रिक सर्किट मेन आंसर होगा एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पार्थ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट एंड करंट कैन फ्लो थ्रो द वायर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करेंट डिफाइन द यूनिट ऑफ करेंट अगर यह पूछता यूनिट ऑफ करेंट तो हम सीधा आंसर दे देते एम्पियर लेकिन डिफाइन डिफाइन में से आपको एक्सप्लेन करना है समझ रहे ना मेरी बात अगर क्वेश्चन कहता कि वट इज यूनिट ऑफ है ना करंट तो हम सीधा एम्पियर लिखते हैं लेकिन यहां क्या कह रहा है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट तो हम आंसर लिखेंगे एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर अब हम इसको डिफाइन करेंगे करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर इफ वन कूलम चार्ज फ्लो पर सेकेंड अक्रॉस सेक्शन ऑफ कंडेक्टर एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर इफ वन कूलम चार्ज फ्लो पर सेकेंड एक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टीट्यूशन वन कूलम ऑफ चार्ज कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यह देखना होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है उसको पहले हम लिखते हैं और फिर पूछता क्या है उसको लिखते हैं देन फार्मूले को आप मैच कराते हैं तो क्या करें डिफाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स एन इसकल टू क्वेश्चन मार्क ठीक है अब पूछ क्या रहा है चार्ज क्यों वन कूलम चार्ज आपको वन कूलम चार्ज दिया है तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा फार्मूला जिसमें क्यू और एन हो अभी हमने आपको बताया था क्यू इज टू एन ई ओके हमें निकालना क्या है एन तो एन इज्कल टू क्यू अपॉन ई क्यू की वैल्यू वन ई e की वैल्यू हमने बोला था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन आप पॉइंट को हटा रहे हैं जीरो टू एट जा टू फाइव जा फेयर्स फाइव अपॉन एट इन टू टेन टू पावर जब पावर को हम चेंज करते हैं नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसके मार्क चेंज हो जाते हैं इसे माइनस में है तो ऊपर जाके क्या होगा प्लस अगर ये प्लस में होता तो ऊपर जाके माइनस तो ऊपर जाके हो जाएगा टेन टू पावर 19 अब आप इसे डिवाइड करें एट बाहर किए फाइव अंदर पॉइंट जीरो एट सिक्स जा फोर्टी एट टू जीरो टू जा सिक्सटीन फोर जीरो एट फाइव जा फोर्टी यानी आपने जब इसको डिवाइड किया है तो आया है नाइनटीन इलेक्ट्रॉन ओके एक चीज आप गौर करें अगर पॉइंट आगे होता है तो हमारा रूल होता है कि एक के बाद पॉइंट लगाएं एक डिजिट के बाद तो जितने डिजिट हम पीछे ले जाते हैं पावर को आप उतना माइनस करेंगे तो एक डिजिट पीछे ले जाएंगे तो 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पावर एटीन इलेक्ट्रॉन अदर आप इसे राउंड में लिख सकते हो 6 इंटू टेन टू पावर एटीन इलेक्ट्रॉन मिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज 6 इंटू टेन टू पावर एटीन ओके